हम लोग निकल गए हैं अब त्रिवेणी घाट गंगा आरती के लिए। और वेदर तो अभी भी वैसा ही है, बारिश वाला, बट चलो चलते हैं। और ये मेरा पूरा आउटफिट थोड़ी देर में दिखाती हूँ। त्रिवेणी घाट की पार्किंग कर लेते हैं स्कूटी पार्क, उसके बाद चलेंगे आरती करने। चलो यहाँ से नीचे। सो दिस इज अ प्लेस बाय द वे, ये है त्रिवेणी घाट। कालदर्शी महर्षि वाल्मीकि मंदिर। और अब चलते हैं आगे। ये है आरती स्थल, सबसे पहले यहीं चलते हैं या फिर थोड़ा आगे घूम के आते हैं। पहले से जो त्रिवेणी घाट आया होगा यार, काफ़ी चेंजेस कर दिए। ये देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लाइट्स लगा दी आरती स्थल वाला, बारिश वारिश से बचने के लिए। ये सब काफ़ी चेंज हो गया और फ्लोरिंग पूरी चेंज हो गई, पहले ऐसी फ्लोरिंग नहीं थी यहाँ पे। ये देखो कितने चेंजेस आ गए यार यहाँ पे, बहुत प्रीटी। और वो सामने देखो महादेव, और यहाँ पे वो जिसको वो करना है नहाना वगैरह है, वो भी यहाँ पे आराम से नहा सकते हैं। बहुत प्रिटी है ना भाई, वेदर कितना प्यारा, एकदम गजब का। और ये देखो पूरे में लाइट्स लगा दी, सबसे अच्छी चीज़। देखो बीच में ना, दोनों साइड देखो गंगा, और बीच में देखो फ्लावर वगैरह। अभी मैं और पास से दिखाती हूँ लोगों को। ये देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर ये देखो जय गंगा माँ पूरा लिखा हुआ है, जय यहाँ पे देखो गंगा उधर माँ, है ना बहुत प्रिटी। ये देखो तो यहाँ पे होती है भाई गंगा आरती, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, उसके बाद फिर वापस चलेंगे। वापस आ गए भाई हम लोग पार्किंग, और अब चलते हैं थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करने। स्कूटी पहले निकाल लेते हैं उसके बाद और कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। यहाँ से ये है भाई मेरी मार्केट त्रिवेणी घाट की, यहाँ पे कपड़े वगैरह और मतलब ज़्यादातर कपड़े की ही मार्केट है यहाँ पे। और प्राइस अगर बताऊँ तो जस्ट नॉर्मल है, जितना अपने दिल्ली में है उससे थोड़ा सा तो महंगा है यहाँ पे,
पर हाँ है सही यहाँ पर मार्केट ना, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं क्योंकि सिर्फ कपड़ों की वो मार्केट है और कपड़े मेरे को चाहिए नहीं। अभी और आगे चलते हैं और थोड़ा सा कुछ खाने का देखते हैं, बहुत भूख लगी है। अब वापस जाते हैं तपोवन की साइड और फिर चलेंगे अपन राम झूला घूमने के लिए। एक ये मंदिर भी है यहाँ पे, तिरुमला तिरुपति देवस्थान मंदिर। भाई बहुत गंदा ट्रैफिक हो रखा है, एक तो सैटरडे संडे ऊपर से ट्रैवल। ट्रैफिक को पार करके फाइनली हम लोग आ गए बाहर, लक्ष्मण झूला हम देने क्योंकि वो अभी तक खुला नहीं है। तो अब फिर से हम लोग वहीं पे दूसरे रास्ते से हम लोग कैफेज जा रहे हैं और यहाँ से तपोवन से जब हम लोग बद्रीनाथ साइड जाते हैं तो उसके बीच में एक कट आता है नीलकट वाला और राम झूला लक्ष्मण झूला वाला, तो वहाँ से कट लेके फिर हम लोग लक्ष्मण झूला की तरफ जाएंगे। ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, चलते हैं कैफे। आ गए हैं हम लोग कैफे, अब देखते हैं यहाँ पे स्पेस है या नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि भैया खाना भी खाना है। ये है कैफे यहाँ पे और बहुत ही प्यारा कैफे है। तो भैया आ गए हैं अपन कैफे, बहुत प्यारा कैफे है, ठीक बिल्कुल गंगा के किनारे। So we ordered soup, तो हमारा सूप आ गया है पर चिली पनीर रहता है अभी। आ गया हमारा चिली पनीर फाइनली। चलते हैं रूम की तरफ क्योंकि बारिश हो रही है, बाकी के एक्सप्लोर अब कल करेंगे और कोशिश करेंगे रूम पे डिनर करने का। भाई बारिश हो रही है पर कोई नहीं, ये है राम झूला और देखो राम झूला पे भी ये काम हो गया, इसकी लाइट तो सारी ठीक हो गई, ऊपर से ये देखो ये भी कर दिया ग्रीन वाला, ये 40 एमए जैसे जो है वो लगा दिया। आपको सही लग रहा है?
जैसे मैंने बोला लाइट सही होगी, लाइट चली गई।